सो हेलो ऑडियंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में होने वाली है WWE की काफी सारी अपडेट्स, तो यार आप लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करना, ज्यादा लंबी मैं इस वीडियो को रखूंगा नहीं। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है फॉर्मर WWE स्टार से, जो कि WWE में आने वाले टाइम में आ सकती हैं। अब होता क्या है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं सामने कि HHH इंटरेस्टेड है इस सुपरस्टार को साइन करने में, और फोटोज तो आप लोग देख ही चुके होंगे और नाम में बोलना भूल गया, जो कि है चेल्सा ग्रीन। और बताया जा रहा है कि HHH इनको साइन करने में इंटरेस्टेड है। अब वो साइन करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, क्योंकि चेल्सा ग्रीन ने पहले इस पर रिएक्ट कर दिया है और वो अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट करती हैं और कैप्शन में वो लिखती हैं कि मैं एंजॉय कर रही हूँ इंटरनेट पर होने वाली हर चीज़ पे। तो उन्होंने रिएक्ट कर दिया इस रूमर पे, वो तो अभी एंजॉय कर रही हैं, बाकी आने वाले टाइम में देखो क्या होता है और क्या वो सही में WWE में आती या फिर नहीं। और चेल्सा ग्रीन को आप में से काफ़ी सारे लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है NXT की व्यूअरशिप से, और NXT की व्यूअरशिप में काफ़ी तगड़ा उछाल आया है। सबसे पहले हम लोग लास्ट वीक की व्यूअरशिप की बात कर लें जो कि आई थी 6,25,000, और अगर इस हफ्ते की व्यूअरशिप की बात करें जो कि आई है 7,37,000। और ये जो व्यूअरशिप आई है इस व्यूअरशिप को पिछले कुछ टाइम में काफ़ी बढ़िया व्यूअरशिप में गिनती की जा रही है, मतलब बढ़िया व्यूअरशिप आई है इस बार NXT की, काफ़ी तगड़ा उछाल आया है। बाकी अगर आप लोग NXT देखते हो तो भाई आप लोगों को ये न्यूज़ सुन के बढ़िया लगा होगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी रिया रिप्ली से, और रिया रिप्ली के बारे में एक नहीं दो अपडेट हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपना कैरेक्टर ब्रेक किया है और उन्होंने कुछ फोटो पोस्ट किए हैं, दो फोटो पोस्ट किए हैं बडी मर्फी के साथ, जो जिनको आप लोग जानते होंगे, जो कि अभी करंटली AEW के साथ साइन है। और उन्होंने कैप्शन लिखा है माई हैप्पीनेस, और वो दोनों फोटो आप लोग स्क्रीन पर देखे रहे होंगे जहाँ पर बडी मर्फी के साथ उन्होंने फोटो पोस्ट की है अपने कैरेक्टर को ब्रेक करके। और जो दूसरी अपडेट है जो कि उन्होंने पोक किया एक को, और वो एक कौन है, जो कि हमारी बेथ फीनिक्स, और उन्होंने एक्सट्रीम रूल्स में बेथ फीनिक्स का हाथ तोड़ा था, उसके बाद वो मंडे नाइट रॉ में बेथ के नाम का एक पट्टी बांध के आई थी अपने हाथ में, और उसी को BT स्पोर्ट वाले पोस्ट करते हैं और उसको कोट करते हुए हमारी जो हमारी रिया रिप्ली है वो लिखती है RIP। तो उन्होंने RIP लगा दिया सीधा बेथ फीनिक्स के नाम के आगे। बाकी आप लोग जो भी सोचते हो इन सभी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में आप सभी नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है OC से, या फिर कहते हो ओरिजिनल क्लब से, जिनका भाई फाइनली रिटर्न हो चुका है WWE के अंदर इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के शो में। और यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि WWE इसमें एक फीमेल मेंबर ऐड करने वाली है, क्योंकि इनकी फ्यूड होने वाली है जजमेंट डे के साथ, और जजमेंट डे के साथ है रिया रिप्ली। तो रिया रिप्ली का कनेक्शन पहले पास्ट में किसके साथ रह चुका है तो मैं आपको घुमा फिरा के बातें नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट नाम बता देता हूँ। तो अब WWE ट्राई कर रही है निकी एश को डालने की, क्योंकि कुछ लाइव इवेंट्स में निकी एश प्लान है एज स्टाइल्स वाली टीम के साथ, वो फेस कर रहे हैं जजमेंट डे को, तो टीवी पर भी हम सभी को चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और निकी एश एंड रिया रिप्ली का तो ऑलरेडी कनेक्शन रह चुका है, बाकी दिखा रही सब चीज़ें कब तक होती हैं और कब तक एज स्टाइल्स की टीम में ऐड होती हैं निकी एश, और वो फेस करेंगी सीधा जजमेंट डे को, और फीड में तो मज़ा आने वाला है टोटली। और फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग आज की हमारी नेक्स्ट फाइनल अपडेट की, जो कि जुड़ी हमारी ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से। और आपको कुछ अंदर की सीक्रेट बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो रोमन रेंज है लोगन पॉल की स्टोरी अभी करंटली चल रही है, उसके पीछे किसका हाथ है, तो यहाँ पर केवल तीन बंदे, खुद रोमन रेंज, लोगन पॉल और HHH। और यहाँ पर इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन वाली स्टोन, मतलब ऐसा नहीं कि HHH ही इसको संभाल रहे हैं, इसमें पूरा पूरा हाथ है लोगन पॉल का भी, रोमन रेंज का भी, एंड ज़्यादा दिमाग पॉल हेमन का भी है। तो जो भी चीज़ें हम सभी को देखने को मिलेंगी इनकी स्टोन में, इन तीनों का ही हाथ होगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है इनकी स्टोन में। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इन सभी न्यूज़ के बारे में, मुझे आप लोग कॉमेंट करके जरूर से बता देना। सो वेल हमारी जो आज की वीडियो थी वो वहीं तक की, अगर पसंद आया कि बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। सो वी विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।